हे जगत की देवी, प्रकृति की रानी, माता वैष्णो के लिए एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, नवरात्रि के शुभ पावन अवसर पर अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा रानी आपके घर में अपना वास बना लें, तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या खाना चाहिए नवरात्रि के समय में और क्या नहीं। दोस्तों, नवरात्रि में क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा फल आपको खाना चाहिए, कौन सी वह एक चीज खा लेने से माता रानी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, और क्या नहीं पीना चाहिए, आज हम विस्तार से आपको सारी बातें बताएंगे। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया कि व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियम और पालन जरूर करना चाहिए, जो कि बहुत ही अति आवश्यक माने जाते हैं, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वो संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि प्रत्येक मनोकामना को पूरा करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष और नियम कायदे कानून और तपस्या जप तप व्रत तो करने ही पड़ती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब जाकर आपके व्रत का पूर्ण लाभ फल मिलता है, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसीलिए हर शास्त्र में यही कहावत है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, भावना है, भाव है, तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल माता वैष्णो दे देती हैं। और अगर मन में ईश्वर के प्रति कोई शंका है तो फिर उस मनुष्य को जन्मों तक सुख नहीं मिलता। भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से हमें पुकारता है तो उसका नाता हमसे जुड़ जाता है और उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारें तो आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाएगी। कई लोग ऐसे भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनते। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं तो भला वो आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण भक्त और भगवान के बीच की बातें। अब हम आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं, कौन सी वो एक चीज खा लेने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, इस बार की जो शारदीय नवरात्रि है इसके बारे में भी बताएंगे, कब से शुरू है और कब समाप्त है, कब से इसकी स्थापना की जाएगी। दोस्तों, 9 दिनों तक कौन सी वह चीज भी आपको खा लेनी है जिससे माता दुर्गा की कृपा बरसेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनती रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना करते हैं आप लोगों से, सभी अपने व्यूअर्स और सभी सब्सक्राइबरों से, कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपनी राशि का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम आपको आपके राशि के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण उपाय जरूर आपके कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे, जो आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। दोस्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि कब से शुरू होगी, 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्रि की स्थापना की जाएगी, यानी कि शुरुआत होगी। 11 अक्टूबर को इसका समापन होगा। 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी तिथि भी होगी। दोस्तों, इस बार की जो दुर्गा यानी शारदीय नवरात्रि है ये पूरे 10 दिनों तक धूम मचाने वाली है। माता रानी पालकी पर सवार होकर आई हैं, जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, बता दें कि शारदीय नवरात्रि के दिनों में आप सेव जरूर खा लेना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेव आदि जरूर अर्पित किए जाते हैं, खासकर माता रानी को। आप अगर व्रत रखते हैं तो आप सेव जरूर खा लें, अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो आप खीर जरूर बनाकर खा लें, खीर बहुत ही शुभ और मंगलकारी होगा। और अगर आपका व्रत है तो आप साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं, और सेव फलों में खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, तरबूजा खा सकते हैं, मीठे अंगूर खा सकते हैं, साथ ही आप सीताफल मिल जाए, प्रत्येक व्रतधारियों को सीताफल जरूर खाना चाहिए, इससे शक्ति मिलती है, व्रत आपका संपूर्ण हो जाएगा। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी शक्तियां है जो आपके अंदर विद्यमान होंगी और बीमारियां खत्म हो जाएंगी। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना ही बड़ा शुभ और मंगलकारी होता है, इसमें स्वयं माता सीता का आशीर्वाद होता है। नवरात्रि का व्रत आपका सफल हो जाएगा क्योंकि इससे माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ है। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसके दुखों का नाश हो जाता है। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए, सेव, अंगूर, केला खाना चाहिए। दोस्तों,
मौसमी फल जरूर खा लें, खीर बनाकर खा लें। आप इसमें आप शकरकंद मिल जाए तो शकरकंद भी खा सकते हैं। नवरात्रि में व्रतधारियों को डब्बा बंद लस्सी और जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। कीड़े मकोड़े भी पड़े रहते हैं। बाहरी भोजन बिल्कुल ना करें। बाहरी आप पक्का भोजन, यानी अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो बाहर का भोजन बना हुआ बिल्कुल ना खाएं। जो लोग बाहर का भोजन खाते हैं, जैसे बाहर के भोजन में लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ मिला रहता है, बैंगन की सब्जी वगैरह होती है, तो इन चीज़ों का सेवन भूलकर भी ना करें। आप घर में यानी कि लाकर खाएं। बाहर के भोजन में नमक भी मिला रहता है तो आप इन व्रत यानी इनको खाने से व्रत आपका टूट जाएगा, तो ऐसी चीज़ें ना खाएं। आप डब्बा बंद लस्सी जूस वगैरह कुछ भी ना पिए। दोस्तों नवरात्रि के दिनों में सिंघाड़े का आटा भी ना खाएं, क्योंकि इसमें भी कीड़े मकोड़े रहते हैं पुराने आटों में, तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही आप इसका देख रेख करके ही खाएं। आप अगर ताज़ा आटा बनवाए हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन पुराने आटे का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों नवरात्रि के दौरान अगर आप यानी कि शाम के समय खाने में दही वगैरह ले सकते हैं, आलू वगैरह ले सकते हैं, आलू की पापड़ ले सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी बनाकर खीर बनाकर खा सकते हैं, और साथ ही साथ आप चावल की खीर भी बनाकर खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी है जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कुम्हड़ा की सब्जी है, नहीं खा सकते हैं। साथ ही साथ पत्तेदार गोभी वाली भी सब्जी ना खाएं, बैंगन की सब्जी भी ना खाएं, बैंगन की सब्जी भी नहीं खानी चाहिए नवरात्रि के समय में, इससे आपको पाप लगेगा, माता रानी नाराज हो जाएंगी। तो आपको न तो कुम्हड़े की सब्जी खानी है, न तो पत्तेदार सब्जी, पालक वगैरह नहीं खाना है, आपको बैंगन वगैरह की सब्जी, लहसुन प्याज की बनी सब्जी भूलकर भी ना बनाना है और ना ही खाना है। आप अपने घर में ही ना बनाएं 9 दिनों तक। दोस्तों कोई भी सब्जी बनाते हैं उसमें आपको नमक सेधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको भूल कर भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों पेट भर खाना भी व्रतधारियों को नहीं करना खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खा लें। दोस्तों नवरात्रि के दिनों में आदि शक्ति माता रानी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप माता रानी की प्रिय चीज़ें ही खाएं, जैसे कि फल वगैरह खा सकते हैं, साथ ही अगर आपको मिल जाए चीकू भी खा सकते हैं, बेल का फल मिल जाए तो बेल का फल खा लें। आप शरबत बनाकर खा सकते हैं, नींबू का रस पी सकते हैं, नींबू का शरबत बनाकर आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। जलेबी वगैरह समोसे वगैरह भूलकर भी ना खाएं। आप पक्का भोजन बनाकर खा सकते हैं, जैसे कि आलू पूड़ी कचौड़ी हलवा खीर वगैरह सब कुछ खा सकते हैं, घर में बना हुआ भोजन खा लें, लेकिन लहसुन प्याज उसमें भूलकर भी ना डलवाएं। तो इस प्रकार से नियम कायदे कानून करेंगे तो माता रानी प्रसन्न होंगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाइएगा, और कमेंट में अपनी राशि और जय माँ दुर्गा अवश्य लिखिएगा।